दिल में लगती है जब कोई चलता है तब लगती है दिल आते हैं आते हैं पर गाने का कुछ खास शौक नहीं है। बाथरूम सिंगर यू नो गंदी बाथरूम से आप तुर्बत बलूचिस्तान से तुर्बत बलूचिस्तान से हमें लगती है वहाँ लगती है जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता खियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा से वड़दा सकिशा मिर्ची कहाँ लगती है खानों में है मुंह में और कहाँ लगती है खानों। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी पाकिस्तान। आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत ही मज़ेदार है। सवाल हमारा ये है कि मिर्ची कहाँ लगती है। ओह, जहाँ आप सोच रहे हैं वहाँ भी लगती है, लेकिन इसका सवाल हम जानते हैं, जवाब जानते हैं यहाँ आए हुए लोगों से। अगर आप भी जवाब जानते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, नेहा क्या करती है? मैं MBBS कर रही हूँ। अच्छा, MBBS कर रही हैं। कॉमन सेंस है? जी कॉमन सेंस है। बहुत सारा है या थोड़ा थोड़ा है? पता नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा। थोड़ा थोड़ा होगा, चेक कर लें। चेक कर लें। चले ठीक है, हम चेक करते हैं आपका कॉमन सेंस। तो आप मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल है मिर्ची कहाँ लगती है। अगर मजाक में जवाब दूँ तो दिलों में लगती है, वरना तो ज़बान पर लगती है। अच्छा, अगर मजाक में जवाब दें तो दिलों में लगती है, वरना ज़बान पे लगती है। ज़बान पे लगती है, और कहाँ लगती है? और मिर्ची दिल में लगती है और पेट पे लगती है, हार्ट बर्न्स होते हैं। दिल में कैसे लगती है? दिल में लगती है जब कोई जलता है तब लगती है दिल में। ये तो बड़ा जलन वाला सवाल हो गया। अच्छा, पेट में कैसे जल पेट में लगती है? जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तब हमारे पेट में म्यूकोजा को वो डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से लगती है मिर्ची। तब लगती है। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ लगती है? और कहाँ लगती है? और तो कहीं पे भी नहीं लगती, बस इतनी कहीं पे भी नहीं लगती। हाँ, मतलब मिर्ची बस नहीं पता है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको कोई गाना आता है? सॉन्ग? हाँ बिल्कुल आता है। चलें एक सॉन्ग सुना दें। आप कैसा सॉन्ग सुनना चाहेंगे? आप मुझे कोई भी सॉन्ग सुना दें। कोई भी सॉन्ग सुना दूँ जो मुझ पर फिट होता हो? आप पे तो आफरीन आफरीन फिट होगा। आफरीन आफरीन, चले वही गा दें। चले, आवाज़ अच्छी नहीं है, रहने दें। कोई बात नहीं, हम सेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं। याद नहीं है, बस रहने दें। अच्छा, कोई शेर आता है, कोई जोक आता है? कुछ नहीं, भी नहीं ऐसा आता? नहीं, कुछ भी नहीं। तो गाना ही सुना दो, वो तो आते ही है ना। आफरीन आफरीन ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, अलीना क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ ACCA की। अच्छा, माशाल्लाह, कॉमन सेंस है? 0%। 0%? फिर भी ट्राई करें। हाँ, अरे नहीं यार, लड़कियाँ बहुत ही जो है ना, अपने मुँह से तारीफ नहीं की जाती है अपने। अच्छा, लेकिन लड़कियाँ अपने मुंह से भी अपनी तारीफ करती। पहली बार किसी को सच बोलते हुए सुना है कि 0%। दूसरा तारीफ करे तो अच्छा लगता। मैं आपकी तारीफ के लिए 2-4 बुला तो सकती थी, तारीफ करो। हाँ चले, पूछे सवाल करूँ आपसे? सवाल मेरा ये है कि मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची कहाँ लगती है? सवाल बहुत अच्छा है। जहाँ लगाए लग जाएगी है। कहाँ लग जाएगी? जहाँ दिल करे लग जाएगी। आप कहाँ लगाना चाहेंगे? हलक में, मुंह में, आँखों में। देखिए, मिर्चे तो लग सकती है कहीं भी, कहीं बाकी जगह बताने लायक नहीं है। नहीं, मतलब आपने ये क्यों कहा कि बाकी जगह बताने लायक नहीं? क्या बाकी जगह पे भी कहीं लगती? लगती होगी ज़रूर, आवाम बताएगी ना आपको नीचे कमेंट्स में। हाँ हाँ मैम, लगती है। आप इनको बोले कि कमेंट्स में आपने बताना बाकी जगह मिर्चे कहाँ कहाँ लगती। आधी मैंने बता दी। आधी आवाम का काम है बताना। सही जगह, सही जगह मेंशन करिएगा, स्टार्स के साथ। सही ओ, अच्छा, कोई सॉन्ग आते हैं? आते हैं पर गाने का कुछ खास शौक नहीं है। बाथरूम सिंगर यू नो, गंदी आवाज़। बाथरूम सिंगर? हाँ हाँ, चलो मैं आज चले जी, आज हम आपको बाथरूम सिंगर की आवाज़ में गाना सुनाते हैं। आवाम भाग जाएगी आपका चैनल ब्लॉक। नहीं 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 नहीं, वो मुझे मेरे चैनल का कोई इशू नहीं, आप गाएँ। और मैं बाथरूम सिंगर के अलावा कुछ गाने के अलावा जोक आते? जोक नहीं, लाइफ खुद शेर आते हैं। क्या होगा, शेर पहले आते थे, अब नहीं आते। तो फिर और क्या मैं आपसे सुन? मैथ्स आती है।
अब मैं मैथमेटिक्स का पेपर कराने से रही। डेबिट और क्रेडिट आता है, इसके अलावा ज़िंदगी बकवास है। चले ज़िंदगी वैसे भी बकवास है, कोरोना चल रहा है तो अच्छा। हम जैसे स्टूडेंट्स जो हर वक्त किताबों में घुसे रहते हैं, हमारे पास बिल्कुल कोई काम करने का टाइम नहीं। हम बेसार हैं, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में घूमते रहते हैं। मैंने लगता है दुखती रग पे हाथ रख दिया, हाथ रख दिया। देखिए मैं बुक्स से बच कर आई थी, यही बुक्स को डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा कोई बात, तो आपकी गलती है, मैं तो इंजॉय कराने आई थी, आप तो बुक्स लेकर बैठ गई। बिल्कुल। चले कोई गाना सुना दें, बाथरूम सिंगर। सारे हैं ऐसे, कोई आप नाम बताएं अगर मुझे आता होगा तो। अरे यार ये सवाल मुझे मत किया, अगर मैं बताऊँ तो आप गाएंगे। आप कोई भी गा दें जो आपको पसंद है। गाना नहीं, इतना कुछ खास नहीं आता। कोई भी नहीं आता, सुनती भी नहीं? पहले बहुत सुनती थी जब इंटर यूनी उसकी लाइफ थी, जब से अगर वो पढ़ाई स्टार्ट हुई तो बिल्कुल ही ऑफ सी, बंद हो गया। सुने तो होंगे ना रैंडमली, वैसे तो कोई याद नहीं, ऐसा लगता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आपको सैड सॉन्ग पसंद है या फिर पार्टी पॉप सॉन्ग्स? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो देखो आता है अभी तो पार्टी। चलो यही सुना दो, नाम भी इन्होंने खुद बता दिया। इस लाइन के अलावा और नहीं याद आता मुझे कुछ भी। नहीं इसकी एक दो और होती है ना। आई डोंट नो, याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, जावेद क्या करते? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है वन क्लास के? नहीं यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी के, अच्छा कहाँ से आप? तुर्बत बलूचिस्तान से। तुर्बत बलूचिस्तान से, यहाँ क्या करने आए? यहाँ पढ़ने आए। पढ़ने आए इतनी दूर से? हाँ ना, बोला तो स्टूडेंट है ना। क्यों, वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है? नहीं उतना अच्छा नहीं है कि बंदा बोले, लेकिन अच्छा है, इधर थोड़ा बेटर है मेरे ख्याल में। अच्छा कॉमन सेंस है? हाँ क्यों नहीं। कितना है? बहुत है। बहुत है, कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस वो मतलब जो आम से मतलब सी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन बंदा उस पर गौर नहीं करता है। अच्छा वो कॉमन सेंस है जी। ठीक है जी, आप में यानी है? हाँ है। सही है, सवाल करूँ आपसे? हाँ जी करें। सवाल मेरा ये है, गौर से सुनिएगा, सवाल मेरा ये है कि मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची तो बहुत जगह लगती है। बहुत जगह कहाँ लगती है वो आप सोचे कहाँ कहाँ लगती? नहीं मैंने सोचने, तो मैं आपसे पूछने की बात थी, आप ही सोच के बताएं कहाँ कहाँ लगती है मिर्ची। अब क्या बोले, अगर को मिर्ची तो हर कहीं भी लगती है, कोई कुंवारा खड़ा हो और दो लड़के लड़की लड़की साथ खड़े उधर भी लगती है वो मिर्ची लगती है। हाँ लगती है। अच्छा और? और खाने में भी लगती है। खाने में भी लगती है, तो जब वहाँ लगती है तो खाने में क्यों लगती है? बस वो तशबिया देते हैं ना, एक्सप्रेशन होता है बंदे के मिर्ची लाइक स्टाइल का, तो वो मिर्ची लाइक स्टाइल का एक्सप्रेशन होता है। और मिर्ची कहाँ लगती है? और बस लगती है बहुत जगह भाई, कोई पैदल जा रहा है तो कोई गाड़ी पे जा रहा है उसको भी इधर लगती है। उसको भी लगती है? हाँ। आपको कैसी मिर्ची लगती है? मेरे को तो नहीं लगती मिर्ची। कैसी लगती है मिर्ची? खाने में अच्छा लगती है। नहीं अभी आपने मुझे देख के बोला कि वो दो लड़कियां जा रही होती है तो वो तब भी मिर्ची लगती है। नहीं मैं तो किसी कुंवारे का एग्जांपल दे रहा था। नहीं आप कुंवारे नहीं है? नहीं तो मेरा तो वाला आए नहीं आपके एक्सप्रेशन में जरा अजीब। मैं तो भी कुंवारा हूँ लेकिन मेरे को नहीं लगती है मिर्ची। नहीं लगती है मिर्ची? नहीं कहीं भी नहीं लगती। कहीं कहीं लगती है लेकिन नहीं लगती, समझो लगती है मतलब मान लिया लगती है। आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत कहीं 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 जगह पर। चले ठीक है, जोक आता है आपको? जोक उसे आता है? सुना दें। मुझे लेकिन जोक अपने जुबान में आते हैं। अपनी जुबान में सुना? हाँ अपनी में सुना। अभी उसको थोड़ा उर्दू में कन्वर्ट करो जोक को। उर्दू में भी कर लें, पहले आप अपनी जुबान में सुनाएं फिर उर्दू में कर लें। उसी के एक मर्द में मुझे तलार से रहोगा भी उड़ा हिंदी एक आस के इलम तलारा से बगैर ताँग के साजियाँ हैं बड़ा मर्द के जो उसके मछी आ रही बच्चे आस की दिस्ता बड़ा दो मर्द के खुशी के भाई मनम कराचिया शुतगा मछी लुई दिस्ता क्या तू का चार से मर्दों कारा उतगा कस या कि तुम्हें आवाज़ ना उसकुता बड़ा मर्द मर्द जो उसको चुशी बनाए द्रो खुशी के तई हमें बनाई आसकार हमें लुई बिदा रही। ये जोक था? हाँ इतना लंबा? अच्छा तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे हंसी नहीं आई, इसका मतलब है अब आप इसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में। एक बंदे जा रहा था ना, उसने रास्ते में बस गाड़ी पे सवार थे उसको उसने किसी से पूछ लिया, बातें कर रहे थे दो दोस्त थे आपस में, एक ने बोला कि मैंने इतना बड़ा आस्क आस्क देखा है डियर, वो इतना लंबा था तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा लंबा था। अच्छा
वो दूसरे ने बोला मैं भी कराची में गया था, मैंने देखा बड़ा लुई बर्तन था, उसमें 400 बंदे बर्तन के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े बर्तन के अंदर, वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। अच्छा। वो फिर वो दूसरा बंदा बोलता है यार इतना बड़ा झूठ, वो फिर उसको बोलता है ये आपके डियर आस के ना वो इसी बर्तन में पक सकता है बाकी और नहीं। सही, अच्छा था, ठीक था। शेर आता है? शेर हाँ सुना दे। देखिए गालिब के शेर बताता हूँ, वो होता है कि मतलब उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। हाँ तो अपना आईना साफ रखना था ना, गलतियाँ नहीं करते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या क्या नाम है आपका? सनावला। सनावला, सनावला क्या करते? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं तुर्बत बलूचिस्तान से। तुर्बत बलूचिस्तान से आप भी? जी। अच्छा, इतनी दूर से यहाँ क्या करने? पढ़ने आए हैं। पढ़ने आए? जी। क्या पढ़ने? इस्लामिक। अच्छा, मतलब वहाँ की अलिफ अच्छी नहीं है? वहाँ अच्छी है मगर वहाँ पढ़ते नहीं है, घर के करीब है तो पढ़ाई छोड़ देते, चले जाते हैं। जी। भाग जाते हैं। जी जी। तुल्ला। क्या बात है। अच्छा, यानी इसलिए घर वालों ने कहा जाओ दूर जाके पढ़ो, घर में नहीं आना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपनी शौक से आया हूँ। शौक से आए? जी। अच्छा, फैमिली के साथ आए? नहीं, अकेले हैं। अकेले हैं? जी। आने दिया? हाँ। बड़े हो गए? जी जी। सही है। सवाल करें? जी। कॉमन सेंस है? जी। कितनी है? कम है। कम है? जी। इतनी है कि यूज़ कर लेते? जी। चले सही है। हम आपसे सवाल करते हैं, सवाल हमारे ये कि मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची बहुत सी जगह में लगती है। बहुत सी जगह पे? कौन सी जगह पे लगती है? हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। मैंने पूछा मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची बहुत सी जगह में लगती है। हाँ, कौन सी जगह में लगती है? वहाँ लगती है जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ लगती है जहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता। तो आप बंदा सोचेगा तो मिर्ची लगेगी ना? नहीं, ऐसे सोचेगा ही नहीं तो मिर्ची वहाँ भी नहीं लगेगी। फिर भी कहाँ लगती है? मैडम बहुत सी जगह में लगती है। मैं बताऊँ? जी। अच्छा चलें, उससे पहले आप मुझे बताएं कोई जोक आता है? जोक? मैं बताऊँ? जी। मिर्ची पौधे में लगती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? अबीरा। अबीरा, अबीरा क्या करती है? मैं वेली हूँ अभी, तो अभी मैं कुछ नहीं करती। वेली हूँ? वेली से समझ आया पंजाबी आती है? हाँ बिल्कुल, मैं पंजाबी हूँ। आप पंजाबी? हाँ मुझे पंजाबी। पंजाबी च बोलो। बोलना नहीं आता। है किधर दी पंजाबी? हम आधे आधे पंजाबी हैं। हम ना दो कश्तियों के मुसाफिर हैं, हमने दोनों जगह पे पैर रखे हुए हैं, अब पता नहीं हम किधर जाएंगे। तो वैसे मैं भी दोनों कश्तियों के मुसाफिर हूँ लेकिन मुझे पंजाबी आती है, आपको क्यों नहीं आती? अच्छा चलो, आपने कहा था मुश्किल सवाल ये तो मेरा सवाल ही नहीं है, तो मैंने आपने बोला ना वेली वेली होती है, इसलिए मैंने कहा इसका मतलब है पंजाबी, आपको पंजाबी आती है। अच्छा क्या करती हैं? मैं बल्कि वेली है आप। हाँ, तो मैंने बताया इन्होंने। कॉमन सेंस है ये? क्या है? इतनी सी है जब मैं डर गई, पता नहीं क्या क्या इतनी सी है। चले इतनी सी में ही हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं। इतना सही सवाल है? इतना सही सही है। सवाल करें? सवाल मेरा ये है कि मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची मिर्ची आ, 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 मिर्ची लगती है जबान पे लगती है। यार तू इतना क्यों सोच रहे हो? जबान पे लगती है। और पहले खाते पे लगती है फिर बाद में क्या? बाद में बाद में पहले लगती है बाद में लगती है बस। मतलब पहले भी लगती है बाद में भी लगती है, खाने का तो पता है लगती है, उसके अलावा क्यों लगती है? ध्यान करें। अच्छा और कहाँ कहाँ लगती है? वो तो चलो छोड़ दो, आगे मत जाओ, उसके अलावा कहाँ लगती है? और भाभियाँ मिर्चें लगाती हैं अपने और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको बदनाम करने बैठ जाओगे। रिश्तेदार और हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं खैर, और मैं बाकियों की बात कर रही हूँ। अच्छा मतलब इनको घर जाने का भी डर है कि घर जाऊंगी तो छितर बड़े पड़ेंगे। ऐसी बात है अपने फटाफट रिश्तेदार बचा ली कर, हमारे रिश्तेदार अच्छे। सॉन्ग आता है कोई? सॉन्ग आता है पंजाबी?
पंजाबी, पंजाबी भी आते हैं वैसे, दूसरे भी आते हैं। पंजाबी सुनाया हमने सॉन्ग। बहन को बुला लो। बहन को नहीं बुला लो, पहले खुद को बुला लो। कौन सा गाँव? हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा से वणदा सखी शाबाज कलंदर होय दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी जबरदस्त थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा, मदीहा क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है जी। अच्छा तो पार्क में क्या कर? वॉक करने आए हैं। वॉक करने आए थे, यहीं रहती हैं जी। ठीक है, इसके अलावा क्या करती हैं आप? फिलहाल तो घर पे कुछ नहीं करती। घर पे कुछ नहीं करती, कोई एक्टिविटी नहीं? नहीं। और चले किचन से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछूँ? जी जी, कॉमन सेंस है। ट्राई करते हैं, चलें पता। ट्राई करते हैं, क्यों पहले ट्राई नहीं किया था? नहीं, आप पूछिए, बता देते। चले ठीक है, सवाल मेरा ये है कि मिर्ची कहाँ लगती है? मिर्ची कहाँ लगती है? खानों में है, मुंह में। और कहाँ लगती है? खानों में। खाना में डलती है तो मुंह में लगती है ना, तेज़। तो आप खाने में इतनी मिर्ची डाला ही नहीं किया करो। नहीं, मैं तो नहीं डालती। आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। तो कम होगी तो नहीं लगेगी ना? बिल्कुल। फिर भी कहाँ लगती है? मुंह में लगती है। और जबान पे, मतलब। और जबान मुंह में ही आती है। हाँ। और कहाँ लगती है? कहाँ लगती है? कहाँ लगती है तो जो हमारे पास आती है। खानों में डलती है तो मुंह में लगती है, खाना खाते हैं तो मिर्चें लगती है ना मुंह में। हाँ, तो खाने में डालने से पहले भी तो कहीं लगती होगी ना? बहुत मुंह में ही लगती है। अच्छा, गाना आता है? गाना आता है? शेर आता है? नहीं। जोक आता है? कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? इसका जवाब भी सही से नहीं आता? नहीं। आप ही बता दें कहाँ लगती है। आपने कहा मुँह में लगती है, इसका जवाब मैं बताऊँ? बिल्कुल यार, बाग में खेतों में लगती है तो हमारे पास आती है। अच्छा, तो मैं कब से तो बोल रही हूँ लगती है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज का जो हमारा सवाल था वो बहुत ही मज़ेदार था। सवाल आज का हमारा ये था कि मिर्ची कहाँ लगती है। जहाँ आप लोगों ने सोचा बिल्कुल वहाँ पे भी लगती है, लेकिन इसका सही जवाब है मिर्ची खेतों में लगती है, बागों में लगती है, और घर में भी अगर लगाएं तो लगती है। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, हमारे चैनल नेशनल टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसी तरह के मज़े के सवाल करते रहे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर सवाल बताएं, हम उस पर भी अपना शो करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।